गुड गुड मॉर्निंग। आज तो भैया सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं। देखो आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, सबको गुड मॉर्निंग कैसे होगा? इसको ये पढ़ना है श्री रेंज। चल मैं पढ़। हे हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कैसे हो? हेलो फोन कॉल की याद है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, अभी मैं बीवी की नर्सरी राइम्स पढ़ रही हूँ और मेरे बर्थडे के गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। और आज शैलजा का है, क्या है आज? कुकिंग कंपटीशन, दैट यू नो, फायर कुकिंग कंपटीशन। तो आज फ्रूट सैलेड बेटा, इसमें लेके जाओ ना ये सब कुछ, इसमें ठीक है। और मेरा बन रहा है सब्जी पूड़ी। बेटा मैंने बोला, मैंने नहीं तोड़ा। अगर मेरे क्रॉकरी टूट गई आई ना, क्या हुआ? चाची जी लग रहा है, बोल रही है चाची जी। देवो आई है गुम्मी गुम्मी करने, और तोतू सो रहे हैं। देवो देख रहे हैं तोतू को, तोतू मीन्स डॉगी। सुबह सुबह से आज लड़की कहाँ आ गई? साइकिल की सवारी पे। सच्ची हमारा बच्चा कितना पतला हो गया है? देखो बस दांत दांत दिख रहे हैं। भैया मम्मी जाएंगे, और सुबह सुबह उठने का फायदा ये हो गया, मेरे सारे काम डन हो गए हैं। नाश्ते से लेके झाड़ू से लेके हर एक चीज हो गई है, बस नहाना बचा है। तो अभी मैं आ गई थी दीदी शाह को साइकिल चलवाने, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है और इसको अगर अभी नहीं घुमाया ना तो बारिश होने लगेगी और ये रोएगी, क्योंकि इसको को घूमना तो चाहिए, इसको 3 टाइम वॉक पे आना है। तो JNB में एक फ़ायदा बच्चों के लिए, फैमिली के लिए है कि आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है। अदरवाइज़ आप अपने बच्चों को या तो साइकिल छत पे चलवा रहे होते हैं या फिर अपने स्ट्रीट में जहाँ पे कि बार बार गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे फ्री में आपको इतना बड़ा कैंपस मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। ये देखो ये जो कीड़ा है, ये जैसे हमारा वेलवेट होता है ना, ये वैसे, लेकिन इसको टच करना उतना ही घातक है। बहुत खतरनाक कीड़ा है, जैसे लाल है ना वैसे ही खतरनाक है। समय हो रहा है शाम का और मैं अनु से 3-4 दिन से कह रही हूँ, अनु चले हम नारियल को विसर्जित करना है हमको, क्योंकि जो कलश पे नारियल रखा था वो हमने अभी विसर्जित नहीं किया था। फाइनली आज टाइम मिल गया और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कौन सी वेव बड़ी आएगी। मैं 2 महीने बाद जा रही हूँ, पहली बार तो देख के एकदम डर सा लग गया। इस समय पानी क्या कहते हैं टाइड का समय था, तो थोड़ा काफ़ी बेबी हो रहा था और मैं पैंट पहनी हुई थी, मुझे गीला नहीं करना था, तो मैं जाके समुद्र में ऐसे नहीं गई हूँ, क्योंकि फिर पूरा ना रेत रेत भर जाता है और दिविशा फिर घर में जाके इतना टाइम नहीं देती कि मैं जाके नहा लूँ या कुछ भी कर लूँ। तो जस्ट मैंने रिचुअल्स किए अपना, समुद्र में अपना नारियल डाला, उसको विसर्जित किया और फिर 1-2 फोटो ऑटो लेके हम लोग चले आए घर। ये हैं केले, वो भी अपने पेड़ के। आज हम लोग करने वाले हैं एक चैलेंज शैलजा और तन्नू के बीच में, और देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा केले खाता है। ठीक है, सिर्फ शैलजा और तन्नू के बीच में नहीं होगा, आप भी इन्वॉल्व होंगे उसमें। अरे भाई अगर हम शामिल हो गए तो कोई टिक पाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो मतलब इसी बहाने वो लोग भी खा लेंगे। और ये देखो इनको केला पसंद नहीं है, ये तो खाती है। चलो आ जाओ भाई, और शामिल होने के लिए आ गया मेरा बच्चा भी, ये शोच आके उठ गया है, उठ गया है। आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे ये भी उठ गई, ये भी आ गई चैलेंज में। पापा आई एम हियर, सो सी इज द जज ऑफ दिस चैलेंज। हमारी वो बस चैलेंजर दीदी बोलेगी चैलेंज। अरे चैलेंज है ये बनाना खाने का, मंकी चैलेंज। कच्चे भी कच्चे कच्चे नहीं, पके पके खा के दिखाओ पहले। भागी गई
बाकी वाले हम काउंट करेंगे, गिनती करेंगे जो सबसे ज्यादा खाएगा पके हुए। अपने अपने ये मुझे पता है मम्मी, ये फ्रूट वाला पहले भी रखा था, ग्रेप्स वाला, क्योंकि ये ग्रेप्स नहीं खाती मैं, केले नहीं खाती, बार बार हो रहा है हम पे। अरे खाना चाहिए यार, जुल्म क्या है यार, फल नहीं खाओगी तो क्या होगा तुम्हारा। मैं फल खाती हूँ पर केले। फ्रूट्स अगर मैं जीती तो फिर मेरे लिए क्या बोलते हैं उस दाल को, दाल और चावल बनेंगे। अच्छा फिर मैं को तुरैया पनीर चाहिए, मुझे पनीर चाहिए, फिर तुरैया नहीं है वो। और मैं जीती तो क्या, चलो भाई ऑल सेट गो, 1 2 3। रुको दिस इज वेरी चीटिंग। स्टार्ट हो गया गेम, स्टार्ट। खराब है, खराब है, सारे खराब है। नहीं है खराब, जल्दी करो जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन सेल्जा, कम ऑन, यू कैन डू इट। यस, इतने छोटे छोटे से तो केले हैं। हाँ वन, ओ एक बार में गप कर दिया उसने। कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो जल्दी, धन्नो हरी अब। पका हुआ है नीचे यार, हाँ तो दूसरे लो बेटा। बेटा मुंह में ऐसा नहीं है, बस मुंह में भरते जाना। तन्नू अनु ये गुट भी करो यार, उल्टी करने में माहिर है तन्नू, उसका नाम ना ना खा रही पूरा, सब सही है वो। ए भाई अपने अपने छक्कल अलग रखो, वरना कहोगी हमारे मिक्स हो गए। वन चल लिया, उसके थ्री हो गए। ये सेल्या दो खा के बैठी है, तन्नू के चार। तन्नू इज लीडिंग विद 4-2, स्कोर इज 4-2। और बाद में जो बचेंगे वो पापा खाएंगे। हाँ बाद में जो बचेंगे वो हम खाएंगे, और जैसा कि हमेशा होता है बची हुई चीज़ हमारे टैंक में जाती है। हाँ सैलजा 3 एंड तनुष्का 4 कंप्लीटेड, 4-5 कंप्लीटेड, वेरी नाइस। क्या कर रही है? अरे वो नीचे का पका है थोड़ा, तो वो कुछ नहीं, वो बाद में हम एवरेज निकालेंगे फिर। मंकी, ये मंकी देखो, मंकी खा रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे। जल्दी करो जल्दी जल्दी, खत्म होने तक चैलेंज है बस। मैं वो दीदी का था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम, जल्दी करो, ओनली 4। अरे तुम कानून ने ज्यादा निकाल रही हो। हाँ खाओ जल्दी खाओ बेटा, तुम्हारे 4 ही हुए हैं अभी, उसके 6 हो गए। दरअसल ये चैलेंज रखा गया है सीक्रेटली, क्योंकि ये फ्रूट्स बच्चे कम खाते हैं, तो इसी बहाने कुछ खाएंगे। सैलजा बराबर पीछे, तन्नू बहुत आगे। पसंद नहीं है केला, तन्नू ने कितना ढेर लगा दिया छिक्कल का ढेर। विनर मंकी विनर, वो तो मुझे बचपन से पता था कौन है बंदर। जल्दी करो, ए तन्नु हंसो नहीं, तुम हंसने में तो पीछे रह जाओगी। मैं पीछे काहे गए, ये इसको आगे भी तो रहना चाहिए, तभी तो पीछे होगी। ये मेरा 5वां केला है। ओहो तो अभी स्टॉक खत्म हो गया पके हुए केले का, और बारी है अब रिजल्ट की। हाँ तन्नु की काउंट करो कितनी, 1 2 2 3। क्या गिन रही है तुम, इन्हें ऐसे चीले 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 में छीचल इधर कर दी। अरे इनके सैलजा की गिन लो तो सब पता चल जाएगा रिजल्ट। तो सैलजा की अगर काउंट करें तो इन्होंने 1 2 3 4 5 केवल 5 खाए हैं, और तन्नो के तब भी उसने 7 खाया, तो 6-5 से इस चैलेंज की विनर होती है तनुष्का सिंह इज द विनर। ये अरे भाई चलो ठीक है, और मेरा मिशन कामयाब रहा, केले खत्म करवाने का, यही मुझे पता था, मुझे मैं तो पहले ही बोल दिया था, क्योंकि इतने पक गए थे कि अगर आज नहीं खाए जाते तो ये कल खराब हो जाते। ऐसा था क्या? ये मुझे पता था, हमें पता है, ये मम्मी की साजिश है। वो पिछली बार भी वो ग्रेप्स वाले में मम्मी की थी, मम्मी प्लान करती है, मम्मी चालबाज है अपने घर में। हम बाकी हम 4 लोग बिल्कुल सीधे शरीफ इंसान है यार। नहीं ये मम्मी की टीम है। मेरा प्यारा कार्ड जो मैंने पापा के लिए बनाया था, कार्ड नहीं इसके लिस्ट।
काय की लिस्ट? चुप 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 जो सामान आने हैं। पापा देखो मेरे भाई लड़ाई नहीं नहीं की पेट में केले हैं हट्टो ये मिला बच्चा ये केला नहीं खाता ये नहीं खाता ये हट्टो हट्टो करता है। यस बोल दी यस मिशन कामयाब हो गया मेरा केले मेरे फिनिश हो गए इसलिए मैं जानबूझ के मैंने कम खाया तुम लोगों को ज्यादा खाने पड़ेगा मैंने ज्यादा अच्छे से खाया ऐसा कुछ नहीं है ये सब बहाना मार रही है ये इसको केले वैसे ही पसंद नहीं है हमारी बिटिया रानी खूब खाती है पापा के साथ ये केले ये सब झूठ है ये मैं नहीं मानूंगी ये केला खाती है दूध पीती है उसके बाद भी क्या होती है ये पतली दुबली बीमार नहीं बीमार तो एक कारण है वो उसका अस्थमा है और ये लड़की कुछ नहीं खाती है बस उबासी आज ये पूरा दिन बस सोई सोई कर रही है बहुत छोली है बहुत बहुत छोलिया ये रात में 10 बार कराती है पापा से 10 बार नहीं 100 बार शेर शेर पापा शेर को हिंदी में क्या बोलते हैं लॉयन यार ये देखो पापा कह रहे हैं शेर को हिंदी में क्या बोलते हैं लॉयन बोलते हैं वाह 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 पापा आए आज खेल के और जूते उतार रहे तो मैंने कहा लाओ मैं अच्छे से लगा देती हूँ अनु बोले आज मैंने 3 क्या 4 चिड़िया तो हमने कहा आज हमने 4 चिड़ियों की जान बचाई मम्मी सीरियस अरे क्या हो गया था तो हमने कहा एमपी हॉल की सफाई हो रही थी वहाँ 4 चिड़िया थी वहाँ 4 चिड़िया थी चिड़िया वो कॉक ये ऐसी कॉक दरअसल सफाई हो रही थी ऊपर उसमें फंसी हुई थी जो पापा नहीं जो पापा लोगों ने ही खेल खेल के फंसाई थी हाँ तो इन चिड़ियों की जान हमने बचाई क्योंकि सफाई के दौरान सबको डस्टबिन में फेंक दिया गया था जो कि काफी अच्छी खासी है तभी तो हमने कहा 4 चिड़ियों की जान बचाई हमने देखो पापा शेर खाया जा रहा शेर कट्टू कर ले पापा को कट्टू चलो इसी के साथ टाटा बाय 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 ठीक है